दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अज के मुख्य खबरों की एक नज़र मारते हैं। पंजाब इस साल लगभग 96 लाख घरेलू व्यापार से खेतीबाड़ी से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कटा कारण परेशान होना पै सकता है। तकनीकी खामी का हवाला देंदे नॉर्दन रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर दिल्ली वालों पंजाब तो बाहर बिजली सप्लाई देने तो इनकार करने से अजिहा खासा बढ़ गया है। दरअसल PSPCL के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरैक्टर ए वेणु प्रसाद ने बिजली संकट बारे अपनी चिंता जाहिर करने चिट्ठी लिख के बाहरों बिजली खरीदने की मंजूरी मंगी सी, जिस नॉर्दन रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर दिल्ली के इंचार्ज ने तकनीकी कारण का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। जिक्र योग है कि पंजाब स्टेट कारपोरेशन लिमिटेड कोल सारे स्रोतों को मिला के कुल 13,596.35 मेगावाट बिजली की उपलब्धता है, पर आने वाले झोने के सीजन के बिजली की मांग 14,000 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है, मतलब 771 मेगावाट की कमी है। उस कमी को पूरा करने की यह मांग मंगी गई थी जो कि रद्द कर दी गई। पिछले साल जब कोरोना महामारी के दौरान लगभग सारिया प्रमुख संस्थावां बंद कर दी गई सन तो झोने के सीजन में बिजली की मांग 13,148 मेगावाट हो गई थी। मनिया जा रहा है कि जे इस बिजली की कमी को पूरा करना है PSPCL रोपड़ में सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट के 2 यूनिट शुरू करने पड़ेंगे, जो समय बंद नहीं ये लगभग 450 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। ਕੁੱਦੂ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਖੀ IG ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਦੂ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਦੂ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੋਈ ਢੀਲ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਦੇਖਿਏ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਰੂਪ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਢੀਲ ਰਹਤੀ। ਅਬ ਕਿਸਕੀ ਢੀਲ ਰਹਤੀ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਹਮ ਜਾਂਚ ਕਰੇਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਰਹਤੀ ਹੈ ਯੇ ਵੀ ਹਮ ਜਾਂਚ ਕਰੇਂਗੇ, ਆਪਕੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਗੁੱਦੂ ਜੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਥਾ ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। वो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया है, स्टेटमेंट में भी उन्होंने जाहिर है कि ये बात लिखाया हुआ है, तो उसकी जांच होगी, ठीक है, ठीक है, और जो सच होगा मैंने बोला ना कानून का साथ, जी जी, ठीक है, कानून की नजर में सब कुछ बराबर है, और जो सच होगा वही सामने आएगा। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया, जी जी जी, प्रेस में भी बयान दे दिया, वो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर हो गया, जी जी, उसको वेरीफाई किया जाएगा कितना सच है कितना गलत है, जो सच्चाई होगी वो सामने रख दिया जाएगा। हमें किसी से वैर नहीं, किसी से हमें ना कहो सो दोस्ती ना कहो सो बहन, यहाँ आते हैं या आज पब्लिकली कर रहे हैं, जो फाइल पर हमारे होता है वो तो हम बुला सकते हैं, आप बुलाते हैं हमारे ऑफिस में आते हैं, मोहाली ऑफिस में आते हैं, या यहाँ जब हमारी टीम आती है, टीम में हमने यहाँ के SP को हम चंडीगढ़ बुला लेते हैं, या उनको बोल देते हैं कि जिस दिन हम आएंगे उस दिन का डेट दे देते हैं कि आप यहाँ आ जाइए। ये बात है, लोकल प्रशासन के ऊपर से भरोसा जनता का उठ चुका है, ठीक है, और सिस्टम में कोई ना कोई खराबी है और वो खराबी भी हम निकाल देंगे। SDF था, बाद में OP हो गया। अच्छा, ठीक है, तो अगर सीरियस क्राइम होता है या गैंगस्टर से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो हम तो अपने आप ही सुओ मोटो कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग रिकॉल करेंगे तो 2017 में इलेक्शन के टाइम में यहाँ बहुत सारे कांड हुए थे, जो कि बग्गा खान गैया खान ने किए थे, और मर्डर वगैरह भी हुए थे, मर्डर करके ये भाग रहे थे। तो बग्गा खान गैया खान को मक्खू में STF हमारी टीम ने पकड़ा था, ये आप लोगों को है पता? जी जी, उस समय भी मैं ही इंचार्ज था। ये जब से ये महकमा बना है ना, तकरीबन मैं ही रहा हूँ, बीच में कभी कभी 2-4 महीने कोई और आ गया। 2016 से अभी तक मैं ही ये महकमा चला। तो पहले नाम था STF, अब हो गया है ओके। मक्खू में इनकाउंटर हुआ था गैया खान का और बग्गा का। गैया खान को गोली भी लगी थी, सर को उसने फायर किया तो जाहिर है पुलिस जवाबी कार्रवाई।
उसमें जोधपुर पुलिस की भी टीम और हमारी एसटीएफ की टीम ने भी दोनों ने मिलजुल कर किया। अब देखो अब का जो मकसद है, मलेरकोटला में हम देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम ये गैंगवार होता जाता है, एक मर्डर दो मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, तो किसी का मतलब कत्ल हो जाए या मतलब इरादा कत्ल से हमला हो जाए, जैसे मान लीजिए 3 से 7 जिसको हमको अच्छा नहीं लगता है जी जी। एक आम जनता में क्या होता है, अविश्वास की भावना, दहशत फैल, दहशत। तो अब ये है, हमारा आने का मकसद है कि ये सिर्फ नहीं है कि एक खुद्दू के मर्डर का हम इन्वेस्टिगेशन करके चले जाएंगे, हम ये दहशत खत्म करना चाहते हैं। आम जनता के मन में क्या जो दहशत है या जो भी है सिस्टम के प्रति जो अविश्वास है वो हम खत्म करना चाहते हैं। साथ में जितने भी कांड हुए हैं इस दौरान, चाहे उसमें खुद्दू रहा है नहीं रहा है, गैंगवार से रिलेटेड सबका हम एक तरीके से रिव्यू कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम सप्लीमेंट्री चलान में हम तो इसमें कोई जो जो हमारे पास आ रहे हैं हम उनका स्टेटमेंट ले रहे हैं, जो जो रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है हम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी और आदमी अगर कोई अपना स्टेटमेंट देना चाहे मेरिट के आधार पर तो हम उसका स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। जो मेन बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मलेरकोटला में कानून का शासन जो कि कुछ समय से गड़बड़ हो गया, अगर गड़बड़ था तभी तो ये मर्डर हो रहे हैं, तभी हो रहे हैं। ये नॉर्मल क्राइम नहीं है, नॉर्मल क्राइम नहीं है। तो यहाँ कानून का ही शासन रहेगा और सिर्फ कानून का शासन रहेगा। अगर बग्गा खान गैया खान को हम पकड़ सकते हैं, टेरर बने हुए थे यहाँ के, भाग रहे थे, हमने उनको अपने आप ही पकड़ लिया, वो तो हमारे मैंडेट में। आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ जब भी कुछ होता है मलेरकोटला में तो स्पेशल ड्यूटी मेरी लगती है। आप लोगों को कुछ याद है जी, वो जो लड़के ने लड़के के साथ जो कुछ हुआ, हाँ हाँ विदु जैन मामले, विदु जैन 7 दिन कैंप किया था मैंने जी जी जी। मैं 2 अक्टूबर को आया था, मेरे हिसाब से 30 नवंबर 2013 की घटना है, 2 अक्टूबर को आया था, 7 दिन यहाँ कैंप किया तकरीबन, हमने इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया था और आम जो लोगों में जो तो वो चल रहा था ना दहशत, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के प्रति जो वो चल रहा, वो भी दहशत थी एक तरफ, वो सारा चीज भी हमने खत्म किया जी। ठीक है, हालांकि मेरी पोस्टिंग तो जी, 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 जी। उस समय मैं लुधियाना रेंज का DIG था, लेकिन स्पेशली आया उसके पहले भी चिकनी मर्डर कांड के बाद यहाँ एक और मतलब माहौल उसी तरह का हो गया, तो उसके बाद भी मैं आया हुआ 2011 में भी मैं यहाँ आया हूँ। तो ये मलेरकोटला के साथ मेरा भी रिश्ता है, ठीक है, हम टाइम टू टाइम इन टच तो हर जिले के साथ रहते हैं, कहीं भी कुछ क्राइम हो गया या कोई दहशतगर्दगी हो गई तो हम इन टच रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ज्यादा हो जाता है तो हम जाना पड़ता, ठीक। बग्गा खान गैया खान अरेस्ट किया था उस समय हम तो आए नहीं थे, लेकिन उसके जितने भी आदमी यहाँ गए थे चाहे किसी भी एरिया में तो उनको हम अरेस्ट किए और जो कार्रवाई बनती है, बग्गा खान को सजा भी हुई है उसी केस में, जो इनकाउंटर हुआ था उसमें पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी। बग्गा खान गैया खान को एक और केस में मर्डर के केस में सजा हुई तो, लेकिन जेल के अंदर से रह करके जो क्राइम ओरिजिनेट होता है वो भी एक चिंता का विषय और हम उसको भी बहुत सीरियस तरीके से लेते हैं। तो दो केस भी आप देखेंगे जेल के अंदर रह करके इसको मास्टरमाइंड किया गया, बग्गा खान गिरफ्तार हुआ, गैया खान गिरफ्तार हुआ, सारे लोग तो जेल के अंदर से ये हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अगर अमृतसर की जेल में बैठ करके कोई भटिंडा की जेल में बैठ करके मलेरकोटला में क्राइम करवा रहा है तो इसका मतलब सिस्टम में कोई ना कोई खराबी है, है कि नहीं, तो उस खराबी की भी हम जांच करते हैं ये कैसे हो रहा। तो मेरा फिर से यही कहने का मतलब है कि यहाँ अमन और शांति का ही माहौल रहेगा,
और हमारे आने का मकसद यह है कि अमन और शांति का जो माहौल है उसको हम यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे, उसको बनाए रखेंगे। और दहशत गर्दी का कोई स्थान नहीं है, कोई भी टेररिज करे, कुछ करे, या ये ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, उससे हमें कोई लेना देना। शासन कानून का, शासन जनता का, ठीक है कि आम जनता निश्चिंत होकर के यहाँ अपना काम करे, हमारे आने का एक मकसद है। इसके अलावा आप लोग सवाल करें। देखो असी तो बार बार आते हाँ, जो भी कोई क्राइम हो गया या दहशत का माहौल हो गया तो सानू आना पैंदा है, क्योंकि जो मेरा महकमा है ओकू महकमा जिन्हों कहा जाता है, पहला एसटीएफ कहा जाता है, तो एक काम ही है, साड़ी ड्यूटी है। विशेष करके जो कुद्दू मर्डर केस से 2019 नवंबर महीने के होया इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट पुलिस वालों चल रही थी, असी मदद भी कर रहे थे, लेकिन वो दे भी कुछ ना कुछ वजह आया है कि उन्होंने टेक ओवर करना पिया था। असं डिस्ट्रिक्ट पुलिस नू नाल लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, नाल ही जो भी कनेक्टेड केस ने वो सारे केसों की रिव्यू असी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर टाइम टू टाइम तुसी देखोगे कि मर्डर हो जाता है या अटैम्प्ट टू मर्डर होता है, दहशत का माहौल इतने पैदा हो गया है मलेरकोटला के बीच, तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। साडा मकसद यही है कि आम जनता दे विच बिल्कुल शांति रहे, लोग कानून के उत्ते विश्वास करन, इस करके असीं आए। सर इन्वेस्टिगेशन कितने तक पहुंची है जी? देखो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गई है, लेकिन असी कड़ी दे नाल कड़ी जोड़ रहे हैं, किस तरह होया उसका जो आगे का है, उसके पिछे का है, सारा कुछ जोड़ के असी बहुत डेवलपमेंट जी, बहुत डेवलपमेंट, नवे नवे तक सामने आ रहे हैं जो आज मैं नहीं दस सकता हाँ, जब कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं इतने आके तो दसा। परिवार वालों जो दोष लाया गया है उस चीज़ को कलमबंद कर लिया गया है, बयान के रूप के स्टेटमेंट के रूप में उसकी तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश तो बाद जो सच्चाई आएगी तो इतने दस देवे। देखो ये तो उन्होंने दोष लाया है ना, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिता, ठीक है, तो असी दस देवे डे टू डे, असी इन्वेस्टिगेशन की अंदरली गल तुम नहीं दसा, जो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं विश्वास दिलाऊंगा कि इतने आके तुम दस देवे कि यह चीज़ सामने आएगी। सर कुद्दू मामले की गिरफ्तारी क्या है? देखो कुद्दू मामले की सब तो पहला गिरफ्तारी हुई सी उदों ही हो गई सी, 25 दे शाम की घटना है, 27 तारीख में जेल तो गिरफ्तारी हुई सी जो पता लग गया। मैं तुम्हें यह भी दसना चाहता हाँ कि बेशक बग्गा खान ने अपने सोशल मीडिया से पाया सी, लेकिन पुलिस ने उस तो पहला ही पता लग गया सी कि ये बग्गा खान का हाथ है, ठीक है कि नहीं, उन्हें सोशल मीडिया से पाया सी ना कि असी इस चीज़ का बदला लिया, उस चीज़ का बदला नहीं लिया सी, वजह कुछ और सी, तो पुलिस ने पहला ही पता लग गया सी वो सोशल मीडिया से जो पोस्ट उन्हें पाया सी कि ये बग्गा खान गैया खान का तो भोला सूटर सी जी, वह विवाद। सर जो पता लग गया फिर उस वे कोई रोकने की कोई कोशिश नहीं की? नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखो ये तो उस दिन मैरिज फंक्शन सी, ठीक है, उन्हें जो पोस्ट पाया, पोस्ट पाउन तो पहला इंसीडेंट हो गया सी, इंसीडेंट हो गया सी, लेकिन पोस्ट पाउन तो पहला पुलिस को पता लग गया कि ये बग्गा खान का हाथ हो सकता है, ठीक है जी। सर ये हो केस जिक्र किया कड़े जुड़ गए? देखो मैं तुम्हें यह कहना चाहता हाँ कि चिकनी का मर्डर होया सी फरवरी 2011, असं यह वेख रहे हैं कि हरेक केस का हरेक केस के नाल कोई ना कोई लिंक हो जाए, तो सारा लिंक असं कट काउंसलर अनवर सब कुछ, सब कुछ काउंसलर अनवर वो तो है ही, वो तो एक तो बाद एक है, हर केस का हर केस के लिंक है। मलेरकोटला देखो, मलेरकोटला एक शांति वाला मतलब तुम देख रहे हो कि शुरू तो ही आज़ादी तो पहला तो ही एक मलेरकोटला एक ऐसी जगह है जो कि पंजाब के विच एक खास मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है कि नहीं, तो मलेरकोटला शहर का जो इतने के जोड़े बसनीक ने भावें वो हिंदू सिख मुसलमान कोई भी हो, उन्होंने एक खास मतलब एक रुतबा होंगे, मैं रुतबा ही वर्ड यूज करा, ठीक है कि नहीं, एक मतलब वखरे नज़रिए दे नाल वेख्या जाता है, लेकिन क्राइम करके जेकर मलेरकोटला दी इमेज दे विच गिरावट आ रही है वो चंगी गल नहीं है, इस चीज़ को कंट्रोल करना साडा
मकसद। सर बेशक तो इन्वेस्टिगेशन का हैगा पहलू, पर जेडे तुसी कड़ी नाल कड़ी जोड़ रहे हो कि इन्हां पिछे सियासी लोग ने या पेशेवर गैंगस्टर लोग ने? देखो जो पेशेवर गैंगस्टर होंगे ने तुसी उसनू की कहा जाता है, तुहाडे महकमे का नाम की है वो खुद का नाम दस्सो। ऑर्गेनाइज क्राइम कंट्रोल एक्ट। ऑर्गेनाइज क्राइम जो भी होंगे है जो भी होंगे है तो उसके पीछे ऑर्गेनाइज गैंग का हाथ होंगे है, तो गैंग जो होंगे है वो ऑर्गेनाइज होंगे है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच कोई भी हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, तो उस वो ऑर्गेनाइज होंगे। सियासी लोगों के नाम तो आप ना नहीं कर सकते। देखो मतलब मेरे मुँह के कोई चीज़ मतलब नहीं बुलवा सकते, असं सा काम देखो ना, रिजल्ट देखो तो पता चल जाएगा, कह सुनाऊं कि कर दिखाऊं, तुसी रिजल्ट देखो। इलेक्शन तो पहला पहला ओ साडा काम बहुत छेती मतलब महीना दो महीना और दोबारा इस तरह का मतलब कोई इंसीडेंट ना हो, क्योंकि सानू यह भी इनफॉरमेशन सी कि इस तरह का फिर कुछ बन रहा है, ये जेडे गैंगस्टर्स ने भावें जेल के बीच ने या बाहर ने कुछ ना कुछ इस तरह का बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना, जेकर साढ़े को इनफॉरमेशन आ गई है तो उस चीज़ को कंट्रोल करना साडा फर्ज बनता है। तुहानू दस देवांगे जेकर किसी के कोल भी कोई इनफॉरमेशन है, असं कर रहे हैं उस चीज़ को, असं मैं तुहानू कहा है कि जो कनैक्टेड केस ने उसनू भी असं रिव्यू कर रहे हैं, तो ठीक है किसी के कोल कोई इनफॉरमेशन है, कोई स्टेटमेंट देना चाहता है, कोई डॉक्यूमेंट्स देना चाहता है, ठीक है कि नहीं, वो सानू दे सकता है, साडे दफ्तर आगे दे सकता है, साडी टीम जो इतने आती है इतने दे सकता है, ईमेल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, आजकल तो बहुत कुछ गुप्त रूप दे विच दे सकता है, ऐलानिया रूप दे विच दे सकता है, आजकल बहुत सारे तरीके। सर बहुत जल्दी मतलब जो रिजल्ट का जो वेट है, आप कहने भी 2 महीने कहने भी आजगा सारा सामने आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। शहर में लगभग वादी कोविड मरीजों की गिनती देखते हुए PGI प्रशासन ने अपनी फिजिकल OPD सेवा बंद करने का फैसला लिया है। शुक्रवार को डायरेक्टर PGI और सारे विभागों के मुखियों विचकार हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। सोमवार को 12 अप्रैल तो PGI में OPD सेवा पिछले साल की तरह फिर बंद होने जा रही है। डायरेक्टर ने कहा कि कोविड की दूजी लहर बहुत तेजी से फैल रही है, जिस कारण यह फैसला लिया गया, थोड़ी जी लापरवाही वायरस को बढ़ा सकती है, मरीजों के साथ साथ इस में स्टाफ की सुरक्षा भी है। PGI में अजे में कई मरीज पहला तो दाखिल हैं जिन्हें इम्यूनिटी कमजोर है, इसलिए बड़ा खतरा उन्होंने भी है। PGI में रोजाना ऑनलाइन और फिजिकल OPD 5000 मरीज वेखे जा रहे सन। पाकिस्तानी सैनिकों वालों बनाई गई एक वीडियो सोशल मीडिया से खूब वायरल हो रही है, जिस में 4-5 पाकिस्तानी सैनिक एक सिख व्यक्ति को मंजे उत्ते बन के कुट रहे हैं, गैर मनुखी तसीह दे रहे हैं। इस केसधारी सिख के सिर पर वाल खुले हुए हैं और उसका शरीर खून के लथपथ है। वीडियो में उसके शरीर से डांगा बनाई जा रही, वीडियो वेख के अजिहा लगता है कि जिवें पाकिस्तानी सेना के तसीहे बर्दाश्त ना करते हुए इस सिख व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। यह वीडियो कितों की है, कदों की है, इस बारे कुछ भी नहीं पता। जिवें जिवें यह वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रही है, उवें देखने वाले करोड़ों भारतीयों का खून खौल रहा है। चीन के सीनियर सेना कमांडर पद्धर की अगले दौर की गलबात तो पहला भारत ने स्पष्ट किया कि वह पूर्वी लद्दाख में संघर्ष वाले बाकी खेतरों तो फौज को फौजियों को पिछे हटते हुए वेखना चाहता है, क्योंकि इन्होंने नाल ही सरहदी खेतर शांति बहाल सकती है, दो पक्षी संबंध में प्रगति का माहौल बन सकता है। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने डिजिटल माध्यम के राही हफ्तेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असी बाकी खेतर तो फौजियों को पिछे हटना देखना चाहते हैं, इस गतिरोध दूर हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में फौजियों के हटन तो उम्मीद है कि सरहदी खेतर शांति बहाल हो सकती है, संबंधा की प्रगति का माहौल बन सकता है। इस मुद्दे से भारत के चीन के विचाले अगले दौर की सीनियर कमांडर पद्धर की गलबात बारे एक सवाल के जवाब में बुलारे ने कहा कि 12 मार्च में चीन सरहद मामलों से विचार वटांदरा के लिए कार्यकारी तंत्र की बैठक में सीनियर कमांडर पद्धर की 11वें दौर की गलबात बारे दोवें पक्ष सहमत हुए सन। कालसाइड के मुखी रवि सिंह दी किडनियों का पहला ऑपरेशन सफल रहा, इस गल की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के उत्ते दी है। उन्होंने अपने प्रशंसकों का धन्यवाद करदे कहा कि मैं तुहाडे प्यार असीसां दे लई धन्यवादी हाँ। जिक्रयोग है कि बीते दिन रवि सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी सी कि उन्होंने किडनियां सही तरह काम नहीं कर रहीआं, जिस कारण ऑपरेशन करना जरूरी है। ब्रिटेन के सब तो अमीर व्यक्तियों में एक रिचर्ड लेक्सिंगटन सटन उसके घर के ही चाकू मार के मौत के घाट उतार दिया गया। रिचर्ड के बुधवार को उत्तरी डोर सेट में उसके घर के अंदर हमला किया गया, उसके अलावा तकरीबन 7 साल एक औरत को चाकू के नाल जख्मी किया गया, जिस करके उसनों भी गंभीर हालत में ब्रिस्टल के साउथमीड हस्पताल पहुंचाया गया।
यूके सदी में किसी अणपछाते व्यक्ति या समूह ने रात के अंधेरे में भरे दर्जन दरख्त आदि के नाल वढ़ के सुट दिए। दरख्तों की इस भेदभरी कटाई तो बाद शहर के लोग गुस्से में ने। दरख्तों की यह कटाई पहली बार 28 मार्च को सरी के बार्टन ना थेम्स के कावे शेर खेत में सामने आई, जिथे बहुत सारे तंदुरुस्त दरख्तों को आरे के नाल कट दिता गया। इसके अलावा घट्टो घट 20 होर दरख्त कट के शहर के नेड़े वेबरिज सामने आए हैं। इन्हों में कुछ दरख्त मर गए लोगों की याद में लगाए गए सन। शहर निवासी ने उस व्यक्ति या समूह को लभने एक फेसबुक ग्रुप शुरू किया है, जिसनों चेंजशा कतलेआम का नाम दिता गया है। सो हम खबर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।